हेलो गाइस एंड वेलकम टू दी चैनल। फिट होने और फिट दिखने में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस बात को समझने में मुझे भी अच्छा खासा टाइम लगा, बट वंस आई रियलाइज इट, मेरे को अपना एक्चुअल फिटनेस गोल अचीव करना बहुत आसान हो गया। ओवरवेट होना और अंडरवेट होना दोनों ही अपने आप में इक्वली बड़ी प्रॉब्लम है। और अगेन, हम डेस्परेटली बहुत सारे एफर्ट्स भी करते हैं, कुछ लोग बहुत सारा पैसा स्पेंड करते हैं, कुछ लोग बहुत सारा टाइम भी स्पेंड करते हैं, बट उनको वो रिजल्ट्स नहीं मिलते। प्रॉब्लम दो है। हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते कि वर्कआउट और डाइट दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। या तो कई लोग सिर्फ डाइटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, या फिर कई लोग सिर्फ वर्कआउट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। सो इस डिफरेंस को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज मैं सिर्फ डाइट की बात करूँगा, एक ऐसी चीज़ जिसने बहुत ड्रास्टिकली मेरे को मेरा वेट लॉस करने में और डिज़ायर्ड वेट की तरफ मूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी, दैट इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग। इस चीज़ के बारे में आपने बहुत बार सुना भी होगा, शायद फॉलो भी करा हो या ना कर पाए हो, छूट गया हो। बट अगेन, इसको एक दूसरी तरीके से जो मैंने समझा है, मैं उसको आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। दैट इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग में एक सर्टेन टाइम पे आप खाते हो, एक सर्टेन टाइम पे आप नहीं खाते हो। इसमें आपको टाइम विंडोज़ का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले मुझे हैबिट डालनी है कि मैं एक टाइम विंडो में ना खाऊं, मैं क्या खाऊं, मैं क्या ना खाऊं। इस सारे कन्फ्यूजन में ना पड़ते हुए सबसे पहले हम एक हैबिट बनाते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, एंड दैट्स व्हाट वी विल वर्क ऑन। सबसे पहला विंडो है 14:10। इसका मतलब ये कि मैं 10 आवर्स की विंडो में खाना खाऊंगा और 14 आवर्स में खाना नहीं खाऊंगा। इसको आप अपने दिन के स्केड्यूल में बहुत ही आसानी से डाल सकते हैं। अगर आप सुबह 8 बजे या सुबह 7 बजे से अपने 10 आवर्स काउंट करते हैं, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू पुट इन योर इंटायर मील इन टू दोज 10 आवर्स। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप उस चीज़ को फॉलो करें डेडिकेटेडली। ये आसान है। सेकेंड इज़ दैट 16:8, मतलब आप 16 घंटे खाना नहीं खाएंगे, 8 आवर्स में खाना खाएंगे। आप धीरे धीरे इन टाइम विंडोज़ की तरफ आगे बढ़ सकते हैं या धीरे धीरे अपने टाइम विंडोज़ को पुश कर सकते हैं। दी लास्ट वन जिस पे मैं काम कर रहा था या जिस विंडो पे मैं पहुंच चुका था, दैट वाज 18:6, मतलब आप 18 घंटे खाना नहीं खाएंगे, आप सिर्फ 6 आवर्स के विंडोज पे खाना खाएंगे। अब यहाँ से आप दो चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, 14:10, 16:8, 18:6। अगेन 14:10 पे आप जब तक बिल्कुल कंफर्टेबल ना हो जाएं, तब तक आप 16:8 पे मूव ना करें। मतलब जब आप 14 घंटे बिना खाए रह पाएंगे, तब आप 16 घंटे बिना खाए रह पाएंगे, राइट? इस चीज़ का मतलब ये भी है कि अगर आप 14:10 या 16:8 जो भी टाइम विंडो फॉलो कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर आप बीच में कुछ खा लेते हैं, तो ये आप मान के चलिए कि आपने पूरे उन घंटों की जो मेहनत करी ना, वो सारी वेस्ट कर दी। इसीलिए मैं आपको बार बार एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि 14:10 से शुरू करिए, राइट? क्योंकि एक बुझती हुई आग में अगर आपने दोबारा से घी डाल दिया, तो वो आग बुझने में फिर दोबारा उतना ही टाइम लेगी, तो क्या फ़ायदा? रात को बहुत ज़्यादा भूख लगी, चुप चुप के आप गए फ्रिज से उठा के आपने फिर कुछ खा लिया, रिजल्ट इज़ ज़ीरो। जब तक आप 16:8 की विंडो में नहीं आ जाते, तब तक आप सिर्फ बेसिक वर्कआउट्स करो, जैसे कि रनिंग, वॉक, पेस वॉकिंग या फिर स्किपिंग। हर चीज़ में टाइम लगता है। स्किपिंग मैं शायद 20-30 कर पाता था बचपन से, कभी भी मैं स्किपिंग में अच्छा नहीं था। आई कैन डू राइट नाउ 500 स्किपिंग्स। बहुत ज़्यादा करने वाले लोग भी हैं, बट मैं कम्पीट नहीं कर रहा, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि 500 मेरे लिए इट्स अ गुड नंबर टू डू इट इन वन गो। अगेन, इसके अलावा वॉक करना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था। वॉक करने के लिए एक बहुत सिंपल आदत आप बना सकते हो, या तो आप ईयरफोन लगाओ, टाइम भूल जाओ कि आप कितना टाइम के लिए जा रहे हो, या फिर मैं जिम में जब ट्रेडमिल में होता था, जहाँ से मैंने दूसरी हैबिट डेवलप करी, मैं कोई भी सीरीज का एक एपिसोड लगाता था, ईयरफोन या ब्लूटूथ लगाए, मैं बस उस एपिसोड को देख के बस वॉक करता था, क्योंकि मैंने हैबिट डेवलप करनी थी। इस चीज़ में मुझे लगभग 20 दिन लगे। 20 दिन के बाद से मेरा पेस अपने आप इम्प्रूव होने लगा। तो उसके बाद फिर मैंने अपने पेस के ऊपर काम करना शुरू करा, अपना डिस्टेंस बढ़ाया। मैं अपने टाइम पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, मैं 1 घंटा निकाल के चलता था दिन के लिए, सुबह जल्दी उठना है या शाम को, जिस भी टाइम हो सकता है। तो इंडोर एंड आउटडोर आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। ये सब भी नहीं कर पाते, आधा घंटा निकालो, स्किपिंग करो, 10, 20, 30 से शुरू करो, डेली करो, बस उसमें डेली 5 ऐड करते जाओ। आउटडोर रनिंग एक सबसे बड़ा टास्क था जो मुझे बहुत टफ लगता था, और मुझे आउटडोर रनिंग के लिए जिन्होंने मोटिवेट करा, मैं आप लोगों को उन लोगों से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। इधर अभी मैं हूँ अपने घर के पास एक पार्क पे, एक्चुअली यहीं से वो जगह है जहाँ से मैंने अपना सबसे काम चोरी वाला काम शुरू किया था, जो कि रनिंग है। और उस चीज़ के लिए मैं जिनसे इंस्पायर हुआ था, वो कोई बहुत बड़े बॉडी बिल्डर्स नहीं है, ना ही कोई प्रोफेशनल एथलीट्स हैं जो कि आपसे बहुत सारी फीस चार्ज करते हैं। वो बहुत हमारे देश का यंग यूथ है जो यहाँ पर एक्चुअली मैं डेली बेसिस पर रनिंग करता है,
और इन लोगों को देखने के बाद मेरे को ज़्यादा मोटिवेशन हुआ कि नहीं यार, अगर ये लोग कर सकते तो मैं भी तो कर सकता हूँ। स्कूल टाइम पे हम भी दौड़ते थे, सो आई फेल्ट हैप्पी। आप एक एक करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। विशाल चौधरी। विशाल। गजेंद्र सिंह राठौर। गजेंद्र एंड सचिन चौधरी। सबसे पहले मैं सचिन से ही मिला था, आते जाते मैं सचिन को अक्सर देखता था। तो आर्मी ज्वाइन करनी है, राइट? आर्मी ज्वाइन करने का क्या मोटिव है, मतलब क्या इंस्पायर करता है आर्मी ज्वाइन करने के लिए आप लोग को? आर्मी ज्वाइन करने के लिए सबसे मेन मोटिव जो है वो है यूनिफॉर्म, वर्दी। यूनिफॉर्म चाहिए, यूनिफॉर्म का बहुत क्रेज है और खुद को देखना चाहते हैं कि खुद भी यूनिफॉर्म पहने। बिल्कुल, एक यूनिफॉर्म का रुतबा अलग होता है। सबसे पहले हमने शुरू किया था जुलाई से। ओके। हमारा मोटिव था कि हमें आर्मी की तैयारी करनी है, तो उसके लिए मेन फोकस था रनिंग। राइट। तो रनिंग में स्टेमिना बहुत कम था, तो जब मैंने स्टार्टिंग में शुरू किया तो एक चक्कर भी लगता था पूरा। तो मैंने अंदर भागना शुरू किया 200 मीटर जो कि जो अंदर का ये सर्कल है, दिस इज लाइक 200 मीटर। अभी एक राउंड हम वॉक या फास्ट वॉक करके इसको कवर करेंगे, सो दिस इज 200 मीटर। और उसके बाद जब अंदर वाले राउंड मैंने 3-4 लगाए, थोड़ा स्टेमिना बिल्ड हुआ, फिर बाहर वाले लगाना शुरू किए, उसके 1-2 राउंड लगाए। हर वीकली मैंने एक राउंड इंक्रीज किया और फिर जब 10 राउंड पे पहुंच गया तो फिर राउंड उतनी रखी और स्पीड को इंक्रीज किया और इससे स्टेमिना ही बढ़ गया। और तो 10 राउंड में पहुंचने तक कितना टाइम लगा? 10 राउंड में पहुंचने मुझे मतलब 1.5 महीना लग गया था। 1.5 महीना लग गया था। सो सी सब्सटेंशियली एक दिन में 10 राउंड नहीं हुए, टाइम लगा, जो कि नेचुरल प्रोसेस है। और तो इस बीच में फिर आपने डाइट में कोई चेंजेस खुद से नोटिस करे नेचुरली कि डाइट में कुछ चेंज हो? डाइट में मैंने चेंज किया कि जब भी मैं हैवी खाना खाता हूँ, बहुत ज़्यादा रोटी खा ली या बहुत ज़्यादा सब्जी खा लिया, ऑयली फूड खा लिया, तो रनिंग के टाइम पे मेरे पेन होता है पेट में। Okay. पेट में चेस्ट के साइड बहुत पेन होता है, तो उससे फिर मैंने ऑयली फूड कम कर दिया, फैट मतलब जो प्रोटीन खाना है जैसे कि चने खाने हैं, मूंग खाना है, वो खाना शुरू किया ताकि इतना पेन ना हो रनिंग के टाइम पे और रनिंग इजीली हो जाए। right. ये मैंने चेंजेस किए। सो मतलब फाइबर और प्रोटीन, हाँ फाइबर और प्रोटीन, हाँ, और वो फैट और ऑयली खाना कम कर दिया। कम कर दिया, राइट। ओके। सो गजेंद्र, इसके अलावा जैसे ये रनिंग होगी, इसके अलावा भी जैसे मैंने देखा कि बॉडी आप सबकी बहुत टोंड है, तो बॉडी वेट ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग में आप क्या करते हो, क्या प्रेफर करते हो बेसिकली? बेसिकली हम पुशअप्स, क्रंचेस, लेग रेजेस और मेनली हमारा फोकस लेग्स और कोर पर ही रहता है, क्योंकि आज जैसे कि भाई ने बताया आर्मी हमारा मोटिव है, तो वहाँ जाने के लिए मेनली कोर और लेग्स, आपके ये जो चीज़ अगर अच्छी है तो आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे वहाँ पर। बिल्कुल। और वैसे भी बॉडी स्ट्रक्चर में कोर और लेग्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। लेग्स इज जिस पे आप खड़े हो और कोर जो है जो आपके ऊपर और नीचे दोनों ही पार्ट को अच्छे से सपोर्ट करती है, राइट? तो कोई एक्स्ट्रा वेट नहीं, नॉर्मल बॉडी वेट के साथ ही आप लोग ट्रेन करते हो? बिल्कुल। विशाल, आपको क्या लगता है कि कौन सी एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसे आदमी को 5 मिनट निकाल के भी कर लेना चाहिए, भले ही वो जिस दिन रनिंग ना कर पाए, जिस दिन वो फिर पूरा अपना रूटीन सेट ना कर पाए? सबसे मेन तो स्किपिंग आप कहीं पे भी कर सकते हो, घर के अंदर भी कर सकते हो और छत पे ज्यादा, तो वो भी बहुत अच्छा है। ठीक। और दूसरा है वो बर्फीज बोलते हैं, राइट? बर्फीज में आपका पूरा बॉडी, पूरा बॉडी एक्सरसाइज है, राइट? सो जिन लोगों को नहीं पता, मुझे लगता नहीं, वैसे बर्पीज सबको पता होगा, बहुत ही इंटेंस एक्सरसाइज होती है। स्किपिंग भी बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज होती है। स्किपिंग की आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, जिसमें से एक मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। उस बंदे ने बहुत ही जेन्युइन एक्सपीरियंस शेयर किया है अपना, एंड आई रियली लाइक्ड इट, कि उन्होंने ये बताया कि 3000 स्किपिंग पर डे उन्होंने एक महीने तक करी, बट एट द एंड उनका पर्पज था कि उन्हें वेट लूज करना है, बट उनका वेट बढ़ गया 2 किलो और, तो उस चीज़ को शेयर करना भी ज़रूरी है, तो हम उस चीज़ के ऊपर भी आएंगे। अब जैसे कि आपने इन सब से देख, आप इन सबको देख सकते हो कितना फिट है, राइट? अगेन जो एक्सपीरियंस ये आपको बता रहे हैं अभी, ये कोई जिम ट्रेनर आपको 10-15 हज़ार रुपये की फीस लेके बताएगा, या फिर आप किसी जिम में 5 हज़ार रुपये महीना या फिर 10 हज़ार रुपये साल का देके, तब आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। ये सारी चीज़ें इन लोग को बॉडी साइंस इसलिए पता है क्योंकि ये अपनी बॉडी को खुद समझ पाए, उसको टाइम दिया, राइट? शुरुआत के लिए मतलब कि एक महीने में बॉडी नहीं बनती, एग्जैक्टली हर दिन ट्रेन करना पड़ेगा और हल्का हल्का ट्रेन करना पड़ेगा। अगर आप हैवीली अचानक से ट्रेन कर देंगे तो इंजरी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। एग्जैक्टली बॉडी में। नाउ यू कैन सी, जो खुद जिम नहीं जाते उनको इस बात का बहुत अच्छे से पता है कि बॉडी को एक्सट्रीम पुश नहीं करना, बॉडी को स्लो स्लो पुश करना है। तो पहला जो चैलेंज था, मैंने पीछे एक वीडियो भी डाली थी उसके ऊपर, उसका जो पहला पार्ट था उसमें मैंने नॉन स्टॉप विदाउट एनी ब्रेक 500 रैप लगाए थे, और उसके बाद मैंने टारगेट किया था 1000 रैप लगाने का, और इसमें मैंने वो भी पूरा किया। और उसके बाद जब मैंने इस चैनल को लिया था तो स्टार्टिंग की डेट देख के, जो इसमें मैंने 3000 रैप्स को 1 घंटे में कंप्लीट किया था लगभग, और तब मैंने डिसाइड किया था कि भाई मैं इन्हीं रैप्स को, 3000 रैप को 30 मिनट्स में कंप्लीट करूँगा। वो चैलेंज भी मेरा इस चैनल में पूरा हो गया। तो अब मैं बात करता हूँ अपने एक्सपीरियंसेस की। तो
मैंने सोचा था भी मेरा वेट लॉस होगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। मेरा 2 किलो वजन है जो इंक्रीज़ हो गया, और जहाँ तक मुझे लगता है मेरे वेट बढ़ने का रीज़न है वो है मेरी डाइट। तो इसमें मैंने कोई भी प्रॉपर डाइट मेंटेन नहीं की थी, जो मैं रेगुलर डाइट लेता था वही डाइट ली मैंने। तो देखा आप लोगों ने, इन लोगों को इस चीज़ की इतनी अच्छी नॉलेज है, क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी बॉडी के साथ हिट एंड ट्रायल करा। इन नेक्स्ट वीडियो गाइस हम बात करेंगे उन छोटे छोटे डाइट मील्स की जो आप खुद बना सकते हैं विदाउट बॉदरिंग योर फैमिली एंड योर मदर स्पेशली, और बैचलर्स भी इंस्टेंट मील जो हम तुरंत रेडी कर सकते हैं और आपकी डाइट में होने ही होने चाहिए, खासकर जो बच्चे बाहर रह रहे पढ़ रहे और इवन द फैमिली गाइस, राइट। उसके अलावा ट्रैवल करते टाइम या फिर पढ़ते टाइम आप अपनी डाइट को किस तरीके से मेंटेन करें, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे, राइट। डाइट, वर्कआउट एंड ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोज़ को अगर आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।